चाचा जी मम्मी कहाँ? मंदिर। चाची जी कहाँ? मंदिर। आ गए भैया। हाँ आ गया। क्यों बे, तुम दोनों को और कोई काम नहीं है क्या? मोबाइल में लगे रहते हो 24 घंटे। अभी तो लिया है भैया। आपको मालूम है आपका वो जो फेवरेट शो आता है ना सिंगिंग का, उसमें आपकी फेवरेट सिंगर जीत रही है। आप वोट कर देना ना तो वो हार जाएगी। आपके एक वोट से वो जीत सकती है बस। अरे यार तू वोट कर दे यार, मेरे फोन में यार नेट नहीं है यार, कहीं वो हार ना जाए यार। मैं नहीं कर रहा, तुम करो। कर देना यार। मैं नहीं करूंगा। तू कर दे यार, हार जाएगी फिर यार वो। तुम करो अपने आप यार। क्यों नहीं नेट रखते? मैं नहीं कर रहा। नहीं मैं दूँ। ये है मेरा भाई। चलो कर दूंगा, कहीं वो बेचारे तुम्हारे एक वोट से हार जाए। अरे कल डेट क्या है कृष्णा? 23 अप्रैल। कल तो वोट है ना चाचा? कल तो छुट्टी है, कल मुझे मत उठाना। कल तो मैं मूवी वगैरह देखूंगा, आराम से सोऊंगा, एंजॉय करूंगा अपना। छुट्टी? कल इंडिया का महात्यौहार है, कल तेरा पहला वोट है, कल तू ही पहले वोट देने जाना है। ओफो, मेरे वोट देने से क्या हो जाएगा? इस देश का कुछ नहीं बदलने वाला। कल मुझे मत उठाना सुबह सुबह, पता चला मेरी तुम्हारी लड़ाई हो रही है सुबह सुबह। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे वोट देने से क्या होगा? तुम्हारे एक वोट देने से ही बेटे हिंदुस्तान का भविष्य बदलेगा। तुम युवा पीढ़ी अगर ऐसी बातें करोगे तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। हमारा देश बेटे आपके कंधों पे है, ऐसी बात मत करो। तुम देख रहे हो भाई साहब, देख रहे हो? अरे चाचा जी मुझे माफ करो, मेरे एक वोट से कुछ नहीं बदलने वाला, आप जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े जा रहे हो। क्या कह रहा तू? अरे सुबह टाइम शॉर्ट यही बता रहा हूँ तुझे मैं, तेरे एक वोट से इस देश का भविष्य बदलने वाला है। अरे चाचा जी मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा? भाई साहब देख रहे हैं आप, आपके लाड़ प्यार ने से कितना बिगाड़ दिया है। ये कैसी कैसी बातें कर रहा है ये। अरे चाचा तुम तो पीछे ही पड़ गए मेरे। मैं दे आऊं वोट तुम्हारा? तू और बोल ले। मैं दे नहीं सकता। मैं दूं? अरे यार कृष्णा तू भी जले पे नमक छिड़क रहा है यार। अरे छोटे तेरे अंदर से भी अभी बचपना नहीं गया, पता नहीं इन छोटे छोटे बच्चों से क्यों जूझता रहता सवेरे से ही, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो तुम लोग, पूजा भी ठीक ढंग से नहीं करने देते। भाई साहब मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपने हमेशा मुझे भाई ना समझ के बेटे जैसा प्यार दिया। बिल्कुल। ये जो मेरा भतीजा है इसको मैंने जो है कभी भतीजा नहीं समझा, हमेशा इसे भी अपने बेटा से समझाएंगे। पापा 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 सुबह सुबह पीछे पड़ गए, वोट वोट वोट, आप बताओ भैया आप मुझे सुबह बात करोगे? मैं झगड़ा हूं, मैं झगड़ा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वोटिंग। ये मेरे से शांत हो जाओ। सवेरे सवेरे से पता नहीं, मैं समझ गया तुम दोनों की बात। ये छोटा जो है वो वोट डालने के लिए कह रहा है और तू मना कर रहा है। बेटा एक बात, पुरानी कहावत है आंवले के खाए का और बड़ों के कहे का बाद में पता चलता, समझा? ये जो कह रहा है तेरा चाचा ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, मतदान बहुत जरूरी है। और तू तो यार 18 साल का हो गया, पहली बार वोट डालेगा, उत्साह के साथ डालो वोट, उमंग के साथ डालो वोट। और एक बात और बता दूं, तू जो ये कह रहा है ना कि मेरे एक वोट से क्या होगा, मेरे एक वोट से क्या होगा, अगर सभी नौजवान ये सोचने लगे कि हमारे एक वोट से क्या होगा, हमारे एक वोट से क्या होगा, तो पता है एक एक मिलकर के कितने हो जाएंगे, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। और एक वोट की कीमत बहुत ज्यादा होती है, एक से ही अनेक बनते हैं जानता है, एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। वोट डालना है, जरूर डालना है, अवश्य डालना है, समझे? ताऊ जी मैं भी वोट डाल सकता हूँ? वाह बेटा वाह, तू भी डालेगा लेकिन अभी नहीं, अभी जरा तू 18 साल का हो जा, फिर तेरा वोट मैं बनवाऊंगा, तू भी जाएगा वोट डालने। मैं भी डाल सकता। अरे अरे छुटकने, तू तो बहुत नोटी बॉय है, तू ऐसा करना वहां तक चले जाना बाहर तक, लेकिन अंदर तुम नहीं जाओगे, इन्हें और इन्हें भेजना तू, तो बोले वोट डालने जाओ, वोट डालने जाओ, समझ गया बेटा? और जब बड़ा हो जाएगा 18 साल का तो तू भी जाएगा वोट डालने। देख इन बच्चों में कितना उत्साह है, और तू कैसी कैसी बातें कर रहा था। अब सुनो, जब मैं पूजा कर रहा था तुम तीनों भाई अपनी अपनी बात कर रहे थे, वो जने कौन से गाने बजाने वाली, कि एक वोट नहीं पड़ेगा तो वो हार जाएगा जीत जाएगा, है एक वोट का ही तो था मामला। अब यहाँ पर वही एक वोट महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी कभी एक वोट से भी कोई प्रत्याशी जीत जाता है और कोई प्रत्याशी हार जाता है। अब क्या होता है कि जिस प्रत्याशी को हम चाहते थे वो हार गया, वजह क्या रही,
कि हम ही वोट डालने नहीं गए, समझे बेटा। और दूसरी बात ये है कि हमें अपने आप को, अपने लोकतंत्र को बहुत मजबूत बनाना है, और लोकतंत्र प्रजातंत्र तभी मजबूत बनेगा जब हर मतदाता जिसको वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है वो अपने मत का सदुपयोग करे। अब सुन ले, कल की तेरी एक ड्यूटी है 23 तारीख की, सुबह को चाय या तो तेरी मम्मी बनाती है या तेरी चाची बनाती है। कल सुबह को 5 बजे से पहले तू उठेगा और मुझे भी देगा चाय बना के, अपने चाचा को भी देगा, चाची को भी देगा और मम्मी को भी देगा, जिससे कि हम फ्रेश हो जाएं टाइम से और सबसे पहले लाइन में लग जाए। पहले नंबर पर वोट डाला मैंने हमेशा, मैं ठीक 6:30 बजे तुम्हारे समेत, तुम होगे, तुम्हारा चाचा होगा, चाची होगी, मम्मी होगी, सब एक साथ पहले नंबर पर वोट डालेंगे। ये प्रतिज्ञा करो बेटा, वोट बहुत कीमती है और वोट के प्रति हमें बहुत ही जागरूक होना है। ठीक है पापा, मैं सुबह उठ के वोट डालने जरूर जाऊंगा। चाचा जी सॉरी। अरे सुधर जा, तो चाचा पे पानी चढ़ा रहा है। मेरा सभी सम्मानित मतदाताओं से ये विनम्र निवेदन है कि 23 अप्रैल को जब मुरादाबाद के अंदर मतदान हो, समय से पहुंच करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने मन को संतुष्टि भी प्रदान करें। सभी मतदाताओं से अपील है कि अपना जब वोट देने जाएं तो अपना पहचान पत्र जरूर साथ में लेके जाएं, ताकि आपको वहां परेशानी ना हो। बाकी बड़े भैया ने कुछ कह दिया, छोटे ने छोटा सा कह दिया। धन्यवाद। आप मेरी ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, जैसा मुझे पापा और चाचा जी ने समझाया है मैं भी वोट डालने जरूर जाऊंगा। हम भी जाएंगे बड़े होके वोट डालने।